सिमरन ईयर। एक्चुअली कल कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि केदारनाथ मूवी का रिव्यू कैसा है, कल नहीं दे पाई इसलिए मैं आज दे रही हूँ। कल आफ्टर दैट डिनर योको सिज़लर्स, वी वर टायर्ड एंड वी वेंट टू स्लीप, इट वाज क्वाइट लेट, सो मैंने सोचा कि मैं रिव्यू अभी दूँ। या फिल्म मुझे अच्छी लगी, इनफैक्ट मेरी सिस्टर को भी अच्छी लगी, और फिल्म आपको बांध के रखती है स्क्रीन प्ले वाइज। आम सी लव स्टोरी है, जिस तरह लव स्टोरी होती है दो डिफरेंट रिलीजन, हाँ बैकग्राउंड डिफरेंट है, द सब्जेक्ट इज लिटिल बिट लोकेशन वाइज इज डिफरेंट, देखने में अच्छा लगता है अगर कोई जो रिलीजियसली जुड़े हुए हैं और वो लोकेशंस कभी देखी नहीं है, तो देन इट लुक्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। पिक्चर का पूरा ओवरऑल टोन बहुत अच्छा है, इट गिव्स यू अ फील ऑफ अ वेरी डिज्नी लाइन। सुशांत इज़ वेरी गुड एज एन एक्टर, हमें शुरू से ही पसंद रहा है, डिड एन अमेजिंग जॉब। थोड़ा सा मुझे सारा के लिए मैच्योर लगा, एक सीन में भी वो उसको एज पूछती है और वो मटिया जाता है, तो या उसको एज अपनी बतानी भी नहीं चाहिए। सारा परफेक्टली लुक्स व्हाट हर एज इज़, शी लुक्स अमेजिंग। अपनी माँ अमृता सिंह का अच्छा वर्जन है, गुड वर्जन ऑफ अमृता सिंह। दोनों पेरेंट्स मुझे कभी भी सारा के अच्छे नहीं लगे थे अपने ज़माने में, मैंने उनकी कभी कोई फिल्में ऐसे उनके लिए जाकर कभी नहीं देखी। हाँ, इफ़ इट्स अ गुड डायरेक्टर मूवी डेफिनेटली हैव वॉच देम, बट शी इज़ अ रियली गुड वर्जन ऑफ हर मदर, आई रियली लाइक हर। मैंने देखा आजकल स्टार्स के जो बच्चे होते हैं बहुत ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल रॉ नहीं लगते, उनकी पहली फिल्म लगती नहीं पहली फिल्म है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है आज के जनरेशन में। और म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, एक आध ही गाना मुझे थोड़ा सा दिल को छुआ, अदरवाइज याद करो तो पिक्चर के गाने याद नहीं आते। एडिटिंग अच्छी है, क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है, क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल नहीं लगता, आपको लगता है कि यू नो वो रूटीन होगा, लेकिन रूटीन क्लाइमैक्स नहीं है। और मुझे ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, किसी की मिस कर गई है तो यू नो नॉर्थ अमेरिका में हम तो लोग नेटफ्लिक्स पे पकड़ लेते हैं उसको, वी कैन कैच अप देयर, बट अगर नहीं है तो यहाँ पे तो इंडिया में तो 2-3 महीने में टेलीविजन पर आ जाती है, बट या विद लॉट्स ऑफ कमर्शियल तो आपको झेलना पड़ेगा। जैसे कि हम ट्रेंड की बात करते हैं, हम अपने वार्डरोब चेंज की बात करते हैं या स्टाइल की बात करते हैं, तो जैसे जैसे वो हम फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे दो चीज़ें आज की जनरेशन इंस्पायर्ड हो सकती है, एंड इट कैन बिकम देयर दे कम इन टू अ ट्रेंड। वो है एक क्लिप जो यूज़ की है सारा ने यू आर माई स्वीट हार्ट सॉन्ग में, तो शायद दैट विल कम द ट्रेंड। वो आप कई ज्वेलरी शॉप्स में इमिटेशन के उसमें यू विल फाइंड पीपल लुकिंग फॉर दैट, एंड इट्स गोइंग टू कम इन ट्रेंड। और एक है दुपट्टे पर जो उसने टसल्स यूज़ किए हैं कलरफुल, विच लुक्स वेरी प्रटी, मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू कम इन टूडेज स्टाइल। सो ये चीज़ मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हु आर लाइक फैशन फ्रेक वेरी ट्रेंडी, गो विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री ट्रेंड, सो दैट इज़ वन मोर थिंग। सो ओवरऑल मूवी इज़ गुड, एंड एक बार देखनी चाहिए, ज़रूर देखना, और जब भी मौका मिले तो anyway, not online or Netflix or on your television. So again, this is Simran Ramesh Raj from Desi Press TV and AJ Media Entertainment. Catch you later.